नमस्कार किसान भाइयों, आर्किबिडस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं यह डीपी क्रॉस का मेल मेल चेक से। यदि इसके डे की बात करी जाए तो आज 33वें दिन है। 33वें दिन रात्रि के 10 बजे हम वीडियो बना रहे हैं। आज रात में मैं ऊपर आया फार्म में और देखा आज के मैनेजमेंट में रात्रि के समय इसमें क्या क्या चीज़ की कमी है। तो मैंने देखा कि जो फीडर के बर्तन थे वो खाली हैं और थोड़ा थोड़ा सा दाना बचा है। तो मैंने फीडर के बर्तनों में, तीनों फीडर के बर्तनों में थोड़ा थोड़ा सा खाना डाल दिया है ताकि इनको जो रात में यदि भूख लगे तो यह रात में भी फीडिंग कर सकें। हमको जो है बच्चे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ करना है। अभी यह 200 से 250 ग्राम हो चुका है, हमको इसको काफ़ी तेज़ी से गेन करना है। तो इसीलिए हम हमेशा फीडर के बर्तन भरे रखते हैं। यदि आप फीडर के बर्तन भरे नहीं रखेंगे और जो बर्ड रहेगा उसको भूख लगेगी और पानी के बर्तन भी नहीं भरे रखेंगे, उसको प्यास लगेगी तो वह तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है फीडर के बर्तन हमेशा फुलाफुल भरे रहें जिससे कि बर्ड को जब लगे तब आके वह फीडिंग करे और काफ़ी तेज़ी से वो फीडिंग, जितनी तेज़ी से फीडिंग करेगा उतनी तेज़ी से वह गेन करेगा। यदि आपके पास फ्री रेंज की व्यवस्था तो फ्री रेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो फीड में जो बर्ड तैयार तेज़ी से होता है वह फ्री रेंज में नहीं होता। फ्री रेंज में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। हम इसको दाना दाना में तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको फीड के बर्तन जो हमेशा भरे रखते हैं ताकि बर्ड ताकि तेज़ी से ग्रो करे। और इसको वो ऑस्टोबेट प्लस विमरॉल पिला रहे हैं और इसको बी कॉम्प्लेक्स पिला रहे हैं। इसको सारे जो प्रोटीन के जो रहते हैं वह भी इनको कंटिन्यू दे रहे हैं। सप्ताह में 3 दिन ऑस्टोबेट दे रहे हैं और उसमें बीच बीच में इसको बी कॉम्प्लेक्स चला रहे हैं ताकि इसकी ग्रोथ तेज़ी से हो सके, क्योंकि गर्मियों के समय ग्रोथ कम रहती है। इसको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम मल्टी विटामिन चला रहे हैं और ऑस्टोबेट विमरॉल चला है ताकि ग्रोथ तेज़ी से हो। और जितनी तेज़ी से ये ग्रो होगा उतनी तेज़ी से हम 800-900 ग्राम का होगा और हम इसको सेल कर देंगे। यह डीपी का मुर्गा ही मुर्गा है, इसीलिए काफ़ी तेज़ी से सेल हो जाएगा। इसके ग्राहक मैं पहले से ही ढूंढ के रखा हूँ। यदि यह 1 kg या 900 ग्राम का होता है तो उसको मैं पहले से ही ग्राहक बना के रखता हूँ। कभी भी मुर्गी पालन का अगर बिजनेस करें तो आप हमेशा याद रखें उतना ही पालें जितना कि आप बट बेच पाएँ। यदि आप की क्षमता 500 पालने की है तो 400 पालें, 400 पालने बेचने की क्षमता हो तो 300 पालें, उतना ही पालें जितनी आपकी बेचने की क्षमता है, अधिक ना पालें।